माँ का सम्मान करते है बच्चे, माँ के पैर छूते है बच्चे, पैसे वाले होते तो कोई गिफ्ट देते हैं। बेटा तो रखना चाहता है, बहू नहीं रखना चाहती, उसकी वजह से वो बोल नहीं सकता। कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं सही। तो उन्होंने मेरा महीना बांध लिया था, एक महीने रोटी देंगे। बच्चे उच्चे घर में सब है, क्या करना है। तो आज कुछ करना चाहेंगी बेटे को, आज मदर्स डे? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मदर्स डे पे तमाम मैसेज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, लेकिन हम उस जगह आए हैं जो समाज का दूसरा पहलू है, और मदर्स डे पे रामलाल वृद्धाश्रम में करीब 142 महिलाएं जो है किस तरह अपना जीवन जीती हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। बच्चे उच्चे घर में बेटा उठा कुछ है? दो लड़के एक लड़की। लड़के क्या करते हैं, कैसे आपको यहाँ आना हुआ, कुछ बताइए। हमारी बहू बहुत लड़ती है, इतना लड़ती है, बच्चा घर में तो हर समय नहीं रहेगा। वो अपने सुबह 9 बजे निकलता है, तो उसके बाद हमें खाना पीना नहीं, जब वो रात को आएगा तब परेशान होते हैं, हम रोते हैं। अब वो जो खत्म, मैं कहाँ तक कहूँ, समझा सकता हूँ। आजकल वो जमाना भी नहीं है कि बहुओं को हाथ लगा सको, तो वो उससे कुछ भी नहीं कहता है, कहता है जैसा फिर अब तुम समझो करो। फिर मेरे से कहता है कि तुम्हें अच्छा लगे जब तक तुम रहना, नहीं अच्छा लगेगा तब फिर देखेंगे, कुछ सोचेंगे। क्या करता है बेटा? बेटा हमारा सेल्समैन निकलता है। और घर में और कोई दिक्कत आती नहीं थी? लड़की हमारी शादीशुदा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे घर में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही दिक्कत है कि वो बहू ज्यादा तंग करती है। और फिर इसके अलावा देखो, ये तो हर घर की परेशानी है, जैसी आमदनी होती है उसी तरीके से परिवार चलाया जाता है। तो कभी आपसे मिलने आया? कितना दिन हो गया यहाँ? अभी हमको ज्यादा दिन नहीं हुए, पहले हम एक दफा रह गए हैं यहाँ, जब हमारे हस्बैंड भी थे तो हम रह गए 6 महीने। तो लड़का आया, हमें प्यार से पुचकार के समझौता कराया, खूब अच्छी तरह से इनको लिख के भी दे गया, कोई परेशानी नहीं होगी। और लेके गया, उनका बीपी बढ़ा, वे लालन ने किन्हें दिखा ला। अरे बुड्ढे इनके तो बढ़ते ही रहते हैं, तो चुप रहे हम, गिर गए, उठा दिया, कुछ नहीं टेस्ट करा ला, मैं नहीं जा रहा, अब मुझसे चला नहीं जाता है। फिर हार के दूसरे दिन गिरे, तो गिर के सीधा पूला उला टूट गया, 15 दिन के अंदर निकल दिए। और हमारे पास जो पैसा था, समझौता भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह कराया था, और आश्रम वालों ने उसने कहीं मकान बनवा दो तो हम रहेंगे कहाँ पे। मैं हाँ ये भी सही है भाई, हम दो गले कैसे रहेंगे एक कमरे में। हमने मकान में पैसा लगा दिया, हमें इतनी वो नहीं थी, हमने कि बच्चे के नाम, बहू के नाम या हमारे नाम, किसी के नाम सही रहना ही तो है जीवन में। वो बहू के नाम मकान था, तो बहू ने हमें फिर रहने नहीं दिया। कहाँ बनाया वो मकान? बोधला में। क्या नाम बेटे का आपको? मोनू अग्रवाल। मोनू अग्रवाल, वैसे CS बोलती है। अच्छा, तो यहाँ कब से नहीं मिलने आया आपसे? नहीं तो हमको अभी ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन 20 दिन हुए। कोई बातचीत तब से? नहीं अभी कुछ नहीं। अब फिर वहाँ जाना चाहेंगे आप? अच्छी तरह मान सम्मान के साथ ले जाएंगे तो जाएंगे, वरना अब हम आश्रम में अकेले रह गए। तब हमें उनकी बाबा की ज्यादा वो रहती थी, बाबा को भी हमारी रहती, अब यही हमारा घर है, यही हमारा स्वर्ग है। तो मदर्स डे आज है, तो आप क्या कहेंगे? जानते हैं हम, कल फादर डे है। अच्छा, मदर डे है, माँ का सम्मान करते है बच्चे, माँ के पैर छूते है बच्चे, पैसे वाले होते तो कोई गिफ्ट देते हैं, नहीं पैसे वाले होते हैं तो आशीर्वाद लेके अपना। कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं सही। हमारे तो ये है ना बच्चे, ये बहुत सम्मान कर रहे हैं सुबह से, हमें किसी की सम्मान की अब आवश्यकता नहीं। शिव कुमार जी के बारे में क्या कहेंगी? ये इतना देखभाल सब की करते। मैं यह कहती हूँ, धन्य है वो माँ, अपनी इच्छा से बोल रही हूँ, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसने एक नहीं हजारों माँ को पाल दिया।
भगवान जुग जुग जिये जे, इनके माता पिता हो जे, इन्हें खूब आश्रम में तरक्की हुए बस। और पहले भी हम जब गए थे तभी जे कह गए आश्रम में तरक्की हो और बहुत प्रोग्रेस हो गई 4 साल में। तो और भी तमाम माताएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबका अलग अलग दर्द है अपना और सबके दिल में जप है, मदर्स डे जरूर आ जाए बेशक, लेकिन जो है ये ऐसी माएं हैं जो अपनी बेटी की वजह से यहाँ वृद्धा आश्रम में अपने दुखों का पहाड़ लेकर के जी रही हैं। आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? पूरा बताइए। मैं अलवतिया से आई तो ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ आना पड़ गया? घर में क्या होता था? क्या मुझे जो आना पड़ा बेटा, तीन लड़की थी, एक लड़की है, सबकी शादी हो गई है, सब बाल बच्चे हो गए, तो इन्होंने मेरा महीना बांध लिया था के एक महीने रोटी देंगे। मैं ठीक है, महीना बांध लिया क्या मतलब? महीना दे रहा, एक महीना तू देगा, एक महीना तू देगा, तो महीने पे 1000 रुपए देंगे, फिर महीने पे 1000 रुपए देंगे, कुल ऐसे बांध लिया था। मैं चलो जैसे दे जैसे ठीक है सही है रह लेंगे। अब बांध लिया तो उसमें भी कहने लगे बच्चे के यहाँ अब मत आइयो, उसके यहाँ जाए तो हमारे यहाँ मत आइयो, उसके यहाँ आए तो हमारे मत आइयो, उसके यहाँ जाए तो हमारे यहाँ मत आइयो। जी कौन सी तो कहे भाई, जब मैंने बच्चे पाले थे तो मैंने ऐसे पाले थे बच्चे हैं, अब मेरे को मेरे तुम महीना मान रहे, फिर मैं तो मैं ऐसे कह रहा हूँ यहाँ मत आइयो, हमने मत आइयो, यहाँ मूत्र ने मत आइयो और उसके यहाँ जाइयो रहने के लिए है, तो मैं ऐसा करते मेरे संग में सब मेरे संग में ऐसी जाती करी नो लो, मेरे से सुनी नहीं गई, मैं घर से निकल आई। फिर यहाँ कितना दिन हो गया आपको, कभी कोई मिलने आया? हाँ मैं घर से कह के नहीं आई हूँ, कह के नहीं बच्चों से। तो खोजने का प्रयास भी वो लोग नहीं किए होंगे हैं? कभी कोई खोजने का प्रयास नहीं किए? नहीं करा, जब मैं कह के नहीं आई तो क्या करेंगे। आज मदर्स डे है, कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को अपने? बच्चों के जो उसने बहन ने बोला था वही बात मैं बोलूंगी, मैं यहाँ रह रही हूँ तो मेरे कन्हैया आए तो जी बच्चा आए तो मैं तेजी के पास रह रही हूँ और खूब अच्छी तरह से खूब बढ़िया तरह से मुझे लग रहा है और यही रहना चाहती हूँ। मिलने चाहेंगे तो आ जाऊंगी, बच्चे मिलने चाहेंगे तो मिल लूंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं यहाँ तो रही हूँ, यहाँ तो मेरे सब बच्चे ही हैं, यहाँ मेरे सब बच्चे ही हैं, इस वजह से मेरे से सुना नहीं गया, इस वजह से मैं घर से लिखा एक लड़की। हर माँ की अपनी एक अलग कहानी है यहाँ, तो आप बताइएगा कि अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं और क्या वजह रही आपके यहाँ आने की? हम सावन से आए हैं, मेरा दुर्गा देव नाम है, लड़की की खातर आई हूँ, लड़की ससुराल में जाती थी, सास कहती है मैं रखूंगी नहीं, दो बच्चे हैं लड़की के, वो एक लड़का हमारे पास रहता है, लड़की दादी के पास रहती है, और लड़की खातर में रहना पड़ता है, भगवान की दया है, मेरा लड़का तो क्या रखने नहीं नाराज होता है और लड़की के खातर रहते हैं, दो ही पड़ते इसको कोई नहीं रखता है। नहीं, बेटा आपका है, बेटा एक बेटा, बेटा नहीं रखता, बेटा रखने की तो कहता है पर बहन के लिए नहीं रखता, बहन में उधम करती है ना घर में, गाली गुप्ता भैया को भाभियों को बहनों को जेठिया जीजा को सबको और भी तमाम माताएं यहाँ हैं। देखिए आप किस तरह से जो है यहाँ 142 माएं यहाँ हैं जो अपने बेटों की वजह से आज वृद्धाश्रम में आ गई हैं, तो एक एक कहानी है सबकी, तो हम बात कर लेते हैं और लोगों से। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं अच्छा, अपना नाम बताइए और क्या वजह रही ऐसी जो आपको यहाँ आना पड़ा और वहाँ में यहाँ में क्या अंतर लगता है आपको बताइएगा? मेरे को बहू नहीं रखना चाहती, ना खाना पीना देती, इसलिए मैं अपने आप आ गई। बेटा आपका क्या करता है? डॉक्टर है मेरा लड़का। डॉक्टर है? कहाँ डॉक्टर? फतेहपुर सीकरी में। तो डॉक्टर, आपने बड़ी मेहनत से बेटे को डॉक्टर बनाया और उसके बाद भी बेटे ने क्या किया फिर? बेटा तो रखना चाहता है, बहू नहीं रखना चाहती, उसकी वजह से वो बोल नहीं सकता। तो मदर्स डे पे जब वो छोटा रहा करता था तब क्या था, अब क्या है कुछ बताइए? अब शादी हो गई ना, शादी के बाद बहुएं नहीं रखने देते। कभी पूछने आया आपको यहाँ बेटा? एक दफे मैं आई थी यहाँ पे, समझौता कर लिया था मैं, तो उसके बाद वो वही हालत उनकी रही, फिर मैंने फिर दोबारा मैं आ गई 2 महीने पीछे 3 महीने पीछे, फिर मेरे से बात नहीं करता था लड़का, बहु मना कर देती थी लड़के से बात। वो भी डॉक्टर है? नहीं, बहू दुकान करती है।
घर में गाड़ी वगैरह है सब? मोटरसाइकिल है। तो आज कुछ करना चाहेंगे बेटे को आज मदर्स डे? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। तो इस तरह हो जाएगा बेटा आपका? कभी नहीं। एक ही बेटा है? और भी माताएं बात कर लेते हैं, आप बताइए आपकी क्या कहानी है? मैं तो कलकत्ता के हूँ। नाम भी बताइए? रानी गोस्वामी। अच्छा, तो आप क्यों यहाँ आना पड़ गया? मेरे यहाँ शादी हुआ था। शादी हुई थी हमारे आगरे में। हाँ, गदा पाड़े पे होटल था। अच्छा, होटल था। हाँ, हमारा आदमी का हार्ट अटैक पड़ गया। अच्छा, फिर बच्चे उच्चे घर में सब है, क्या करना है बच्चों से? तो कितने बेटे हैं आपके? एक लड़का। तो वो क्या करता है? वो जूते फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मेरी सहेली छोड़ गई, बल्कि सर में रहती है यहाँ मुकेश है ना भैया का जान पहचान, उसके ताई लगती है, वो छोड़ गई थी। हाँ, 12-13 साल हो गया मुझे। कितना साल हो गया? 12-13 साल। तो कभी इस दौरान बेटा कभी आया है आप पूछने? कोई नहीं, कभी पूछने ही नहीं है? नहीं बेटा, कोई नहीं आता। बेटा तो बोलता ही नहीं तो बेटा क्या पूछना है? क्या हुआ? बेटा बोलता ही नहीं तो क्या पूछना है? कुछ नहीं बोलता। मैं कितना बीमार पड़ी, फोन करे भैया ने बीमार है ये है, बोला मुझे मतलब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो अभी वो तो छूट गया, तो यहाँ रामलाल विद्याश्रम में आप आई हैं। यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा है बेटा, भैया के घर जाती हूँ, कलकत्ता भी गया था, घूम के भी आ गया, फिर जाऊंगी दुर्गा पूजा करते। हम बंगाली है, बंगाली वैशाली है बंगाली। तो मदर्स डे पे कुछ कहेंगी? नहीं, और क्या कहेंगे बेटा, बस चलो बहुत देरी हो गई। तो ऐसे ही आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ ये तमाम जो है माताएं हैं, और इनका दर्द जो है बेहद गहरा है, इनके दिलों में दर्द का समंदर आप कह सकते हैं सीधे सीधे। और हर माँ की एक एक कहानी है अपनी अपनी, जो दुखों से भरी हुई है, तो इन कहानियों को हम इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज चूंकि मदर्स डे है, और मदर्स डे के मौके पर जो है रामलाल वृद्धाश्रम में ग्राउंड जीरो स्टोरी की टीम पहुंची और कोशिश की हमने इन माताओं के दर्द को जानने की, समझने की, और एक मैसेज देने की उन बेटों को, जिन बेटों को ये माताएं बचपन में किस तरह खिलाती हैं, पालती हैं, पढ़ाती हैं और काबिल बनाती हैं, लेकिन वही बेटे आखिर मजबूर कर देते हैं और इन्हें वृद्धाश्रम की दहलीज जान करके वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजारना पड़ता है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।